एक लड़के ने मेरा हाथ खींच लिया। चिकू बाबा अंदर घुसे और खींच के बाहर लेके आए। लोअर टी शर्ट, ये लो लो। जनपद मार्केट इतनी बड़ी होती है मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे ना किसी पे शक हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें इतनी खास नहीं लगी। लोग मेरे ऊपर चीख रही है। चुप लोग क्या कर रहे हैं? पूरा मुंह सूजा हुआ है, मेरी हाइट से भी लंबी है। देखो एक साथ पहली बार हम बैठने वाले हैं मेट्रो स्टेशन। मुझे शर्म आ रही है, ब्लॉगिंग करते सब देख रहे हैं। तो गाइस मेट्रो में हादसा होने से बच गया, छूट गई थी हमसे इतनी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 12 और बिल्कुल हम बहुत लेट उठे आज, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा लेट हो गया था सोने में। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ एक्साइटिंग करने, कुछ मजा करने, क्योंकि काफी टाइम हो गया है कि हम लोग दिल्ली में। आप सबको पता है पर दिल्ली में अरमान जी ने बोला था कि मेट्रो चलती है, तो मेट्रो चलने से हमें एक एडवेंचर करने का मन आ रहा है कि हम लोग मेट्रो में घूमते हैं आज। चीकू को बहुत बोला पर चीकू ने बोला मैं अपनी चच्ची के साथ रहूंगा घर पे। तो चीकू और चच्ची घर पे हैं, मैं, अरमान जी, गोलू, सूरज भैया और पीछे हमारे टिंकू भैया, हम लोग निकले हैं मेट्रो की सवारी के लिए। भाई यहाँ पे पतिदेव और बहना ने लगा लिया मास्क। तो आज ना मेट्रो में कुछ ज्यादा ही फन होने वाला है, क्योंकि ना हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं संडे को, और संडे को होती है फुल भीड़। और ना मैं ना पहले बहुत ज्यादा मेट्रो में जाती थी, क्योंकि मेरा कॉलेज हुआ करता था, तो मैं यहाँ से सुभाष नगर से मालवीय नगर जाती थी, फिर मालवीय नगर से दोबारा सुभाष नगर आती थी। तो आज बहुत मजा आने वाला है। पायल, हम दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, पहले भी मेट्रो में? हाँ, पहले कभी नहीं किया। इनके साथ तो मैंने किया हुआ है, मैंने तूने मैंने नहीं किया, इन्होंने मैंने किया। एक बार हमारे साथ क्या हुआ था बताना? मैंने बोला था इसको कि मेट्रो में चलते। मैं आपके साथ भी गई हूँ मेट्रो में, बट पायल के साथ नहीं गई। हुआ था मेरे साथ? याद नहीं। मेरे साथ हुआ था, मेरा हाथ पकड़ के किसी ने खींच लिया था, फिर आप बाहर आए। तो हुआ क्या था, अरमान जी को मैंने अभी भी याद दिलाया, मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मतलब ऐसी थी पतली सी सूखी सी। तो ना हम लोग घूमने गए थे सीपी। जैसे हम लोग सीपी के मेट्रो स्टेशन से उतरे ना, एक लड़के ने मेरा हाथ खींच लिया और वो ना अंदर मेट्रो में घुसने वाला था। जैसे गेट बंद होने वाला था, चीकू बाबा अंदर घुसे और खींच के बाहर लेके आए। बहुत मारा था। तो गाइस यहाँ से ना मेरी फोटो खींच रहे हैं, सामने एक छोटा सा बेबी है। मैंने अचानक से देखा ना, तो मुझे देख के हेलो कर रहे हैं और अपनी मम्मा को बता रहे कान में कि देखो सामने दीदी है। तो मैंने बैक टू बैक ना कम से कम 5 to 6 टाइम्स स्नीज करा है। सीरियसली मुझे इतना ज्यादा कोल्ड हो गया ना, पता नहीं कैसे हो गया। और कोल्ड ना सबसे ज्यादा बुरा होता है, ना आपके कोई सेंसेस काम करते हैं, ना कोई खाना पसंद आता है, और ना हेड में इतनी तेज दर्द होता रहता है ना, और आइस में पानी आता रहता है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि ना एक काम करती हूँ, कोई भी केमिस्ट आता है ना तो दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो कोल्ड है ना ये इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो गाइस आप लोगों को ना बहुत लोगों ने दिल्ली की पालिका बाजार दिखाई होगी, सरोजनी मार्केट दिखाई होगी, उत्तम नगर वाली मार्केट दिखाई होगी, पर मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ दिल्ली की ऐसी मार्केट जो कि बहुत ही सस्ती, बहुत ही फैशनेबल, मतलब वहाँ पे आपको एक से एक चीजें मिल जाएंगी। महंगी भी होती है, महंगी भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सही लाइटिंग होती है ना, नीचे की लाइटिंग होती है, वो कपड़ों को चेंज कर देती है। तुम ना वहाँ जो कपड़े देखोगे अलग होते हैं, जब तुम उसको लेके आओगे घर पे, लेके आओगे तो अलग होते। तो अभी आपको मैं उस मार्केट में एक्सप्लोर कराऊंगी। उसके बाद जाते अभी तो हम देखो मेट्रो में नहीं बैठे, हमने कहा थोड़ा दोपहर से का टाइम हो जाएगा तब मेट्रो में बैठेंगे। तो अभी हम अपनी गाड़ी में ही ट्रेवल कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे मेट्रो में। उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने लगा लिया मास्क, क्योंकि हम मार्केट के बिल्कुल बाहर है और इतनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आज है संडे, तो भाई भीड़ तो बनती है। संडे को ही टाइम मिलता है सारी लड़कियों को शॉपिंग करने का और सारी फैमिलीज को आने का, तो हमने कहा चलो ये मौका हम भी नहीं छोड़ते और चलते हैं कुछ खरीदने। तो भाई मार्केट के अंदर तो घुस चुके हैं, अब मार्केट के अंदर भीड़ इतनी है, देखो चलने का भी बिल्कुल वो नहीं है। मेरी आवाज भी नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज आएगी भी नहीं आपको, यही आवाज आएगी। पेंटे पेंटे पेंटे, लोअर टी शर्ट, ये लो लो, ज्वेलरी लो, यही आवाज आएंगे। तो ये वाली ना वाली मार्केट है, जैसे ना हम अपने घर के पास वाली मार्केट में घूम रहे थे ना एक बार, गए थे याद है, जहाँ से हम शॉले लेकर आए थे बहुत सारे, 28 की मार्केट थी। वैसे सिस्टम आ रहा है, मतलब यार मैं पहली बार आई हूँ, जनपद मार्केट इतनी बड़ी होती है मुझे नहीं पता। कल ड्यूटी कहीं की पहले नहीं आई थी, इससे नहीं आई। अच्छा मुझे ना किसी पे शक हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है चैन तोड़ने के लिए, मुझे दे दो ये। तो इनको देख के ना मैंने ना अपने हाथ अपने गले में हाथ मारा और चेन चेक करी कि मेरी चेन है कि नहीं है। तो ये बोल रहे कि गोलू तू टेंशन मत ले, तेरे पीछे तो मैं हूँ। मैंने कहा देखो टेंशन तो होती है ना, सिर्फ 95 के ना, देखो टॉप है फ्लैट, सारे टॉप ही टॉप लगे, जो वो मर्जी ले। गोलू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, येलो वाली ना, येलो और व्हाइट मुझे अच्छी लग रही है। सही 400 रुपए, 400 अरे भैया 400 रुपए ही ले, 400 भैया चिकन 400 रुपए में देना। चलो नहीं कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें इतनी खास नहीं लगी। 400 ही देंगे, 400 चाहिए भैया, सामान पैक कर लिया पर दे नहीं रहे। 400 भैया, 400 बोल दिया,
400 भी आप भी मत सोचो ना, 400 दे दो इनकी दुकान से, लो 400 दे दो। हम भी तो खरीद के लाते हैं। ये वाले कलर, ये वाले ले लो, ग्रीन ग्रीन सी ग्रीन ना। हाँ सी ग्रीन ले लो क्योंकि ऑरेंज जो है। सी ग्रीन दे दो भैया, इनसे पूछ ले। गुड्डू कलर बता दो बस, ड्रेस का कलर बता दो, कलर बता दो बस। ये वाला कलर या येलो? ग्रीन येलो, येलो ही दे दो, येलो ही दे दो। ये वाला देखो, ये वाला ना। तो चीकू के पापा की पसंद से कपड़े ले जा रहे, एक ड्रेस तो ले लिया, ले लेगा, चोरी कर लेगा, पकड़ मेरे को दे दे पर्स। चलो ये सारा मैं सामान थोड़ी पकड़ूंगी, लड़के में से गुड्डू। एक पीस 400 रुपए? सब नहीं है, नहीं सब तो 400 का आएगा भी नहीं भैया। कोलू चाहिए कुछ? नहीं चाहिए, चल आगे। तो मेरी इतनी बुरी हालत हो रही ना, मुझे कोल रहा, मेरे को ना बैक टू बैक ना 5-6 ना छीक आई, लो मैं ऊपर छीक रही है। नहीं नहीं, मैंने पाल का हाथ पकड़ लिया टाइट और ऐसे करा छू छू छू, कह रहे गोलू क्या कर रही है। मैंने पाल में से ना सब कुछ कंट्रोल हो जाता है पर पाल कोल्ड नहीं हो पाता यार। यार कोट पता करें कितने का है? वैसे तो अब सर्दियां जा रही, कोट लेने का फायदा नहीं है ना, गर्मियों में लेके चलो। 100 की 4 जुराब ले रहे, कलर पसंद करे तो ये वाला, एक तो मेंस का भी दे दो 100 का 4। ये वाले नहीं चाहिए, ये एंकल चाहिए। तू पसंद कर सब कुछ, आपके लिए 100 की 4 जुराब, इनके लिए 100 की 4 जुराब लिए है। तो मैं 200 रुपए दे रही हूँ और मैंने लिए है 8 जुराब, 4 इनके लिए, 4 मेरे पास। ठीक है, खुश? ठीक है, खुश ये बोल, आपके लिए कुछ नहीं लिया। खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ भाई। देखो क्या ना, आदमी को ना जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। हम तो बहुत जुड़े हैं, यहीं पे हमारा बचपन बीता, तो आज भी हम जब यहाँ आते हैं। इसमें डाली मैंने बहुत ही प्यारी ड्रेस ली है, ये जाके पहन के दिखाऊंगी। और ऐसा दिलवाओ कि ना लोग बोले वाह क्या कपड़े हैं। अभी देखते ही ना इनको एक चीज बड़ी पसंद आई, मुझे बड़ी अच्छी भाई। ये देखो ये ला, कौन सा लू? ब्लू कलर, ब्लू ले ले, तेरे पे अच्छा लगेगा। अच्छा लग, मैं तो बहुत ज्यादा पतली हूं, मेरे पे नहीं अच्छा लगेगा। ये वाला निकाल, बताना कितने का सेट भैया। कौन सा वाला पसंद है आपको पाल? यार एक बात बता, कलर बता दो आप। ये वाला ब्लू अच्छा लग रहा है, ये वाला ब्लू, दोनों में से ये वाला, इसके साथ ये ले ले, इसके साथ ये। तो भाई मैंने पूरा सेट देखा है क्योंकि गर्मी आने वाली है ना। मैं ब्लैक भी ले सकते हो? अच्छा हाँ, अच्छा ब्लैक के ब्लू पे ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक निकालो भैया, इसमें देखो कॉन्ट्रास्ट कर ले। हाँ कॉन्ट्रास्ट कर ले, ये ग्रीन है भैया, ब्लैक है इसके ऊपर ये। अच्छा मतलब ब्लू पे लू ब्लैक ना, ये दे दो और एक ये दे दो। तो आपके सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है, तो जब भी सामान लो ना खुद से देखो भाई, क्योंकि देखो चीज तो सामने वाला सही देता है पर तुम्हें भी देखना जरूरी है। तो मैंने अपना पीस चेक कर लिया है भैया, पैक कर दो, मैं देख लेती हूँ भैया। ये व्हाइट वाला दिखाना, अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। हाँ बेबी नाइस, अच्छा लग रहा है। एक मिनट देखना तुम। हाँ ये ठीक है, एक ये दे दो, हाँ इसका भी ये दे दो। अब मेरी शक्ल नहीं हो रही चश्मे वाली क्योंकि मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ है, तो फील हो रहा है ऊपर से कोल्ड है, बट कोई बात। तो कितने का? 150 का एग्जाम पड़ेगा, 150। और 150 ना सही है। अब आप भी तो अपने लिए चश्मे, आप नहीं ले रहे? मैं एक नया मेट्रो के लगाने के लिए देखना। ये ले ले, ये रहने दे। चार हो गए, वो पूरे रहने दे। कौन सी? ये वाला, ये गोल वाला हटा दो। और ड्रीम कैचर ले? हाँ हाँ ले ले, पता ड्रीम कैचर क्या है? बोल रहा है सामने, हाँ वो फुलकारी। इनको बर्थडे गिफ्ट मिला था एक बार, याद है आपको? बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं हमारे। तो हमने ना अपनी किचन के लिए बहुत डिफरेंट चीजें ली है, क्या लिए मैं घर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ जगह होती है जहाँ पे आपके कैमरे अलाउड नहीं होते, तो इट्स ओके, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना काम है। तो तीन चीजें बहुत ही डिफरेंट लिए, वो भी पायल ने पसंद करी है, एक मैंने, एक इन्होंने। हमारे डेल की जो स्पेशल हिस्टोरिकल जगह है ना, उनके यहाँ पे सारे वो है, तो मैं सोच रही हूँ लोटस टेम्पल ले लेती हूँ, ताजमहल, रेड फोर्ट, वो दिल्ली का नहीं है, और ये रेड फोर्ट हो गया। हम ना ऐसा करा करेंगे, हम जहाँ जाया करेंगे ना वहाँ का हिस्टोरिकल स्पेशल चीज ले आया करेंगे। भाई हम लोगों ने अपनी, मैंने बताया ना बहुत किचन लेके आ रहे हैं, तो किचन के लिए ये लिए, लाइट लिए दो, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये जूट से बना हुआ है, तो हमने दो लिए ये। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं गाइस, अगर आप नया घर बना रहे हो, आपको लेना है तो आप जरूर एक बार यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव सामान है। तो हमने ना यहाँ पे सारी काम की चीजें लिया, ऐसे कुछ भी ना सामान अटरम नहीं लिया, तो अभी लग रही बहुत टेस्टी भूख, तो कुछ खाते अच्छा सा। चलो और स्वीट कॉर्न दो चीज खा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं बनवा रही हूँ अपने लिए स्वीट कॉर्न मसाला, बहुत ही कम रखवा रही हूँ, एक शकरकंदी ले रहे हैं और एक राम लड्डू भी ले रहे हैं, एक राम लड्डू भी ले रहे हैं। और आप लोग ना कमेंट करके बताना, हमारे यहाँ पे इतना इन वाले लड्डू को, जो मूंग दाल के लड्डू होते हैं ना उन्हें बोलते हैं राम के लड्डू, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना, मैंने बचपन से सुना राम लड्डू। तो भाई ये है राम लड्डू, दिल्ली जैसे लड्डू। गुड्डू एक राम लड्डू अभी खा के देखो, मजा आ गया मजा। सुनो अगर मेरे जैसे चटपटे बनना चाहते हो तो मिर्ची भी खा सकते हो, मजा आ गया मजा। मेरा पेट भर गया बस, इना मैंने खा पाई है पकौड़ा खाने, मैंने खा लिया। तो भाई मैंने तो ना प्रॉपर डाइट का लिया और शकरकंदी में बहुत सारा गुड फैट होता है, अच्छा होता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आलू खाना अच्छा होता है गुड फैट होता है, तो ऐसे ही स्वीट पोटैटो इज अ वेरी गुड फैट, फैट होता है गुड फैट, फाइबर होता है, फाइबर फाइबर होता है, और वो होता है नेचुरल शुगर होता है। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है आप बता देना। तो भाई आपने बहुत सारे कोल्हापुरी चपले देखी होंगी जो की जो भी आपको आम जगह पे मिल जाती है, बट आज से पहले मैंने इतनी बड़ी कोल्हापुरी चप्पल कभी नहीं देखी। तो ये ना मेरी हाइट से भी लंबी है, देखो ये यहाँ पे और मैं यहाँ पे, मुझे ये वाली जूती बहुत ज्यादा पसंद आई इनके लिए, तो ये तो हमने फाइनल कर लिया क्योंकि
कुर्ता पजामा बहुत ज्यादा पहनते रहते हैं, तो उसके लिए ना फिर हम फुटवेयर ढूंढते हैं क्या पहनाए क्या पहनाए, तो ये हमने ले लिए। अंगूठे वाली चप्पल होती है, हाँ अंगूठे वाली चप्पल आपको पसंद है ना पहनना? अंगूठे वाली चप्पल मेरे फादर साहब पहनते थे बचपन से ना, जब मैं पहनता हूँ तो मुझे ना उन्हीं का पैर दिखता है हमेशा, और उनके पैर ना बहुत ही सुंदर थे, बहुत सुंदर। मेरी ये कर दो एक। तो गाइस हमने यहाँ पे अपने लिए दो पेयर ले लिए, बहुत ही बढ़िया इनकी पसंद की। तो भाई अपना सामान चेक कर रहे हैं, तो एक ये मेरा पायल का एक जोड़ा, दो तीन चार, ठीक है ये सब बता दो। तो भाई वेलकम टू द मेट्रो स्टेशन, आज पहुंच गए तीनों फाइनली मेट्रो में, और कभी तीनों बैठे नहीं ना, आज बैठेंगे मजा आएगा। तो ये वाला एक साथ पहली बार हम बैठने वाले हैं। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है जनपद? एन ब्लॉक पालिका बाजार। अच्छा पहले गुड्डू हमारे मेट्रो के कार्ड भी होते थे हमारे पर्स में, है ना, हमारे पूरे पर्स में एटीएम के साथ मेट्रो कार्ड होते थे। मेरे पास होते ब्लू कलर का, हां उसको ना ज्यादा तो मैं करवा नहीं पाती थी उसको फिल, मैं 100 200 का फिल ही कराती थी, और मिनिमम 100 से होता था मिनिमम, मैं मिनिमम ही कराती थी। नहीं 20 25 रुपए भी करा देते थे, मिनिमम 100 होता था। इतना बुरा हाल हो रखा यार मेट्रो का। ये मेट्रो स्टेशन नहीं, ये क्रॉसिंग है, तो एक काम करते बाहर निकलते, बाहर निकल के पता लगेगा। यहाँ से पालिका बाजार राजीव चौक भी है, यहाँ से निकलते। चलो वेलकम टू द मेट्रो स्टेशन। जैसे मैं पूरा कंफर्म थी कि हम मेट्रो में जा रहे हैं, लग ऐसे रहा था ना। अरे ऐसे ही था ना, ये आपको देख के ही पहचानते हैं, आज आ जाओ। तो भैया हमें ऑटो मिल गया, चलते हैं मेट्रो स्टेशन। चलो मैंने पूछा भी नहीं कितने भैया लेंगे, भैया कितने लोगे? 50 रुपए। 50 रुपए मैंने ऑटो में पूछने बैठने के बाद पूछा कितने लोगे, भैया कह रहे 50 रुपए। तो ज्यादा दूर नहीं है, बट हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम चार लोग हैं, 10-10 के हिसाब से। दिल्ली हमने घर लिया है, फायदा बहुत होने वाला है, हम दिल्ली बहुत घूमने वाले हैं। अब ना दिल्ली घूमेंगे, मजा करेंगे, क्योंकि ना दिल्ली जैसा फन ना देखो, ऑटो में रिक्शे में ई रिक्शा में हर जगह घूमना है हमें, बड़ा अच्छा लगता है सब। मास्क लगा लो मास्क, आ जाओ। थैंक यू। चल 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 एक बात बताओ, सुनो हमने मेट्रो स्टेशन तो घुस गए, अब टिकट कौन से वाले स्टेशन की लूँ? करोलबाग। करोलबाग से ठीक है, करोलबाग से रजौरी गार्डन से लेते हैं, फिर रजौरी गार्डन में घूमेंगे। आपको पायल रजौरी गार्डन मेट्रो में मिलती थी ना पहले, पायल में बताया था कि ना मैं पापा ना मेट्रो स्टेशन मिलते थे रजौरी गार्डन के, हैं चलो दोबारा मिलना आज वहाँ पे, मीटिंग वाले वो बनाएंगे आज एनिवर्सरी। चलो इधर चलो आज इधर। भाई आज से बहुत साल पहले ना टोकन मिलता था गोल सा, अब ये नहीं मिलता। ये मैंने पहली बार देखा मेट्रो में कि ये स्कैनर मिल रहा है, और 20 रुपए की टिकट है यहाँ से लेके रजौरी गार्डन तक की। तो चलिए चलो राजीव चौक से। गाइस फाइनली मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ा, एक बहुत अच्छी लड़की मिली उसको मैंने बोला प्लीज 4 टिकट ले दो, उसने ले दिया। हमारी मेट्रो, हमारी मेट्रो 4 मिनट में आएगी, यहाँ लिखा ना द्वारका 4 मिनट में आएगी। 4 सेकंड मिनट है, 4 मिनट है ना। अच्छा ये खो गया तो हम उतरेंगे कैसे? नहीं उतर सकते ना, उसको संभाल के रखियो, यही तो तेरी जिम्मेदारी। अरे टेंशन मत ले, अब हमें एक डिब्बा ढूंढना, लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पे, जैसे बस में चढ़ने के लिए लाइन लगती है ना, ऐसे मेट्रो में चढ़ने के लिए लाइन लगती है, तो मैंने अपनी लाइन खुद बनाई है। अच्छा इस ग्रिल के पीछे रखते हैं। मैंने एक्चुअली क्या ना, मैंने कुछ ज्यादा ही मेट्रो में ट्रैवल करा है, मेरे को मेट्रो का पता है। हेलो थैंक यू। आगे 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 फिक्र ही पूरा गीला कर दिया, मेरी छींक बाहर आ गई है, बाल का डर है मुझे, कहीं घूमना जाए। अच्छा अभी तो लोग उतरेंगे भी, आज इधर आ जाओ, जगह मिल गई भाई, मैंने अपनी सामने वाली जो क्या बोलते हैं पकड़ लिया। तो भाई जब पहले हम लोग मेट्रो में बैठते थे ना, तो जब भीड़ होती थी ना तो हम यहीं बैठ जाते थे, मुझे लगता है आजकल कोई नहीं बैठता। पहले बैठते थे यहाँ पे, पर ना फिर रूल चेंज हो गया, काफी साल भी तो हो गए बाल, जब टोकन का पर्ची हो गया तो ये वाला भी हो गया। पता आज तो मैंने देखा टोकन तो ठीक है, एक ना मेरे सामने अंकल जा रहे थे, उन्होंने फोन में कुछ ऐसे स्कैन करके वो लगा थी, ऐप होगी ना बाबू बताया, ऐप होगी ना, पहले नहीं थी ना चीजें। हाँ ये पता नहीं होगा, और क्या टाइम भी तो बहुत हो गया। करोलबाग भाई प्लान हो गया चेंज, हम लोग उतर रहे करोलबाग, क्योंकि ना यहाँ पे ना पायल ने बताया करोलबाग में बड़ा ना टेस्टी कुलचा मिलता है, पनीर का सैंडविच मिलता है, सारे लोग जितने भी ना मेट्रो से मुझे देख रहे हैं मुझे शर्म आ रही है, ब्लॉगिंग करते सब देख रहे हैं, बट कोई बात नहीं उतरते करोलबाग, पर हमें पनीर कुलचा खाना है इसलिए हम रजौरी नहीं उतर रहे हैं, करोलबाग उतर रहे हैं। अगला स्टेशन करोलबाग है तो हम आगे जा रहे हैं। चलो चलो बस उतर गया, चलो आओ सामने ना चलो। अपनी अपनी पर्ची निकाल लो, मैंने तेरी सबको पर्ची संभाल के रखी थी बहुत ज्यादा। तो गाइस मेट्रो में हादसा होने से बच गया, ये लड़की जो है वहीं रहने वाली थी, छूट गई थी हमसे, पर हमने इसे पकड़ लिया वापस, और वापस हम इसे घर ले आए हैं। इतनी भीड़ थी, काफी समय बाद जो है ये मेट्रो में बैठी थी, शुक्र है कि हमें मिल गई, फोन भी इसका मेरे पास ना, इसको पैसा था। तो भाई अपना निकल गया पेट और हम हो रहे हैं सोने से लेट, फिर जाएंगे जिम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खाओ पियो।